The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. What is IBS? Irritable Bowel Syndrome. Kya hota hai? Kyun hota hai? Kaise hota hai? See, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा गलत फहमी है इस टॉपिक के बारे में दुनिया भर में, और क्वाइट फ्रैंकली कई लोगों में कई दवाइयाँ कई सालों से लगे पड़े हैं लेकिन कोई दवाई इफ़ेक्ट नहीं करती, कोई हेल्प नहीं कर रहा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टरों के चक्कर मार मार के थक गए। तो IBS है क्या, और इसमें कई सारे रिसर्च भी हुए हैं, राइट, कि कार्बोहाइड्रेट्स का कोई रोल है, कोई न्यूट्रिएंट्स का रोल है, पॉलीऑल्स का क्या कर रहे हैं, क्यों किसी किसी का पेट जो है वो ब्लोटेड सा फील करता है, क्यों किसी को अजीब अजीब सा गैसेस बन जाते हैं पेट में, ब्लोटिंग फील हो जाती है। IBS बेसिकली यही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, कोलोन का डिसऑर्डर है, जिसमें के कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, कोई परमानेंट डैमेज नहीं है, बस आपके पेट में ब्लोटिंग हो जाती है, क्रैम्पिंग हो जाती है, गैस बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, और उसी के वजह से ये क्रैम्पिंग और ब्लोटिंग के वजह से, गैस के वजह से कभी कभी आपको म्यूकस भी आ सकता है स्टूल्स में, और कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी आपको क्या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कभी आपको लूज मोशन हो सकता है, राइट, वो चीज़ ज़रूरी। ये है बेसिक IBS। सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ अलग चीज़ें हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में आपके इंटेस्टाइंस के अंदर लिटरली होते हैं अल्सर्स, और उस कंडीशन में अल्सर्स डेंजरस होते हैं, ब्लीडिंग कर सकते हैं, खून आ सकता है लैट्रिन में। IBS में खून कभी नहीं आएगा, IBS में आपके खून कभी नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे आप डिटर्मिनेट कर सकते हो कि आपको IBS है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो एक और फैक्टर बहुत मेन है वो है कि IBS में सिम्टम हमेशा नहीं रहते, आते जाते रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। सो आपके केस में सिम्टम आ रहे हैं जा रहे हैं, उस चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उस चीज़ के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका आगे, एक सेकेंड, राइट, उस चीज़ के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका होगा क्या, राइट। मान लीजिए स्टडीज़ और सारी रिसर्च फैक्टर्स को पकड़ के अगर हम चलें तो ये देखा गया है कि इसमें कोई फीमेल डोमिनेंस है, यानी फीमेल में IBS ज़्यादा होता है, मेल में नहीं होता उतना जितना फीमेल में होता, क्यों है नहीं पता। और इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कई लोग ओवर एंग्जाइटी होते हैं, डिप्रेस होते हैं, ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं IBS के साथ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है, कॉमन है। और कई लोग जो IBS और डिप्रेशन दोनों से सफ़र कर रहे हैं ये भी देखा गया है, और कई बार वो स्ट्रेस एंग्जाइटी की दवाएँ उनको IBS में मदद करती हैं, राइट, क्योंकि ये है बेसिकली आपके माइंड और गट का कनेक्शन। जैसे आपके माइंड में स्ट्रेस बढ़ जाता है वैसे ही आपके इंटेस्टाइंस की स्पीड स्लो या फास्ट हो सकती है, इसी वजह से बच्चों को एग्ज़ाम टाइम पे हो जाता है कई बार लूज मोशन हो जाता है, पेट ख़राब, राइट। सो ये है IBS। एक सेकेंड, हम ना इंट्रोडक्शन बंद करना हम भूल गए। सो